नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी घर के मुख्य द्वार के विषय में। हमारे घर का मुख्य द्वार हमारे पूरे घर का एक अहम हिस्सा होता है। और हमारे घर का मुख्य द्वार कितने बजे खुल जाना चाहिए, मुख्य द्वार खुलने के बाद हमें कौन सा ऐसा कार्य है जो अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे, सुख समृद्धि सदा बनी रहे। जिनके घर में ऐसे कार्य नहीं होते हैं, वहाँ धन की बरकत नहीं होती है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। आइए दोस्तों, पूरी बातें आप लोग जानेंगे कि घर का मुख्य द्वार कब खोलें, मुख्य द्वार खोलने के बाद कौन कौन से जरूरी कार्य करें और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो सुबह के समय हमें अवश्य ही कर लेने चाहिए, जिससे कि हमारे घर की बरकत, उन्नति, सुख समृद्धि, सौभाग्य सब कुछ बना रहे। सारी बातें आप लोग जानेंगे, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अपने घर की सुख समृद्धि के लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ किए बिना सब कुछ हासिल कर लें, ऐसा कभी नहीं होता है। हमें परिश्रम करना पड़ता है, कुछ नियमों का ध्यान देना पड़ता है, कुछ धर्म निभाने पड़ते हैं, तभी हमारे घर में बरकत होती है, सुख समृद्धि हमारे घर में बनी रहती है। सबसे पहली बात आज आइए करती हूँ कि घर के मुख्य द्वार के विषय में। मैं सबसे पहले बता दूं, अपनी माताओं बहनों से, सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर का द्वार अवश्य खोल दें। कभी भी सूर्योदय होने तक आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो बंद नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, मुख्य द्वार खोलने के बाद आपको सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाने का क्या नियम है, कैसे झाड़ू लगाना है, ये भी बातें आप लोग जानेंगे। यदि आपके घर में काम करने वाली है अर्थात मेड है, तो कभी भी पूरा घर आप मेड के भरोसे या काम करने वाली के भरोसे मत छोड़िए। जिस घर में दोस्तों घर की लक्ष्मी अपने हाथ से झाड़ू लगाती है, उस घर में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं और अस्थाई रूप से निवास करती हैं। लेकिन झाड़ू लगाने का नियम है, उसका समय है, उसका एक तरीका है। इसी प्रकार से यदि घर में झाड़ू लगता है तो समझ लीजिए कि घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सबसे पहले आप घर का मुख्य द्वार खोलें, सूर्योदय से पहले ये कार्य अवश्य कर लें, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा, तभी हमारे घर में धन की बरकत बनी रहेगी। और झाड़ू आपको कैसे लगाना है, ऐसा नहीं है कि आपने मुख्य द्वार खोला और मुख्य द्वार से आपने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं। झाड़ू हमेशा अंदर की तरफ से लगाते हुए आते हैं और बाहर की तरफ तक अपने मुख्य द्वार तक आकर झाड़ू लगाकर और कूड़े को बाहर फेंका जाता है। तो सबसे पहले घर की जो लक्ष्मी होती है, घर की बहुएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, उन्हें सबसे पहले अपने घर के रसोई घर में झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद अपने घर के अंदर से होते हुए घर के मुख्य द्वार तक आना चाहिए। उसके बाद जो कूड़ा है उसे फिर ले जाकर वापस अंदर नहीं रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर के अंदर डस्टबिन है, तो आपने पूरी साफ सफाई कर ली, मुख्य द्वार तक आपने झाड़ू लगाया और उसके बाद ले जाके कूड़ा अपने घर के अंदर रख दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर ही कूड़ा रखें। यदि हो सके फेंकने की व्यवस्था है तो तुरंत फेंक दें, बहुत ही उत्तम है। लेकिन यदि डस्टबिन में रखना है, जैसे कि कूड़े वाले आते हैं शहरों में फिर बाद में लेके जाते हैं, तो आप लोग ऐसी व्यवस्था करिए कि अपना डस्टबिन कुछ देर के लिए बाहर ही रखिए, अंदर कूड़ा लेकर मत जाइए। सबसे पहली बात, आइए दूसरा नियम जानते हैं। झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपने मुख्य द्वार की सफाई करनी है। अब मान लीजिए कि आपके घर ऐसी व्यवस्था है कि आप घर को जो मुख्य द्वार है उसको धुल सकते हैं, वहां पानी गिराकर साफ सफाई कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। नहीं तो आप अपने मुख्य द्वार पर पोछा लगा सकते हैं या अच्छे से उसे छींटा मारकर, पानी का छींटा मारकर वहां की सफाई कर सकते हैं। इस तरह से अपने घर का मुख्य द्वार आप साफ करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, साथ में पितृ भी प्रसन्न होते हैं घर का मुख्य द्वार अर्थात घर का दहलीज साफ करने से। इतना काम आपको नहाने के पहले अर्थात स्नान के पहले कर लेना है। उसके बाद आपको दूसरा काम, घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करना है। अब स्नान करने के बाद का क्या कार्य है मैं बताती हूँ, जो कि सुबह का दोस्तों दो ही तीन ऐसे नियम है
कि जिसको आप यदि प्रतिदिन अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप देखेंगे कि निश्चित ही आपके घर में बदलाव आएगा और आपके घर में सुख समृद्धि का सदा वास होगा। आपने स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आपके घर में सबसे पहले पूजा अर्थात घर में धूप दीप होना चाहिए। तो स्नान करने के बाद आप पहला काम ये करें कि अपने सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर आप एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसे प्रतिदिन करें, कोई इसमें ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। आप इसे हल्दी के घोल से भी बना सकते हैं। हल्दी से यदि आप बनाएंगे तो माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि हल्दी जो है वो भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और जहाँ भगवान विष्णु जी की कृपा बरसती है वहां माँ लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। तो आप हल्दी से बना सकते हैं और चाहे तो कुमकुम या रोली से भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक श्री गणेश भगवान जी का प्रतीक है और ऐसा करने से हमारे घर में शुभता आती है। आपने स्वास्तिक बना दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर में धूप दीप प्रज्वलित करना है। चाहे आप 5 मिनट ही पूजा करें, 10 मिनट करें, 1 मिनट करें, लेकिन सबसे पहला कार्य आपको अपने घर में धूप दीप प्रज्वलित करना है, भगवान जी को भोग लगाना है। दैनिक पूजा का क्या नियम है, जो कि आप बहुत ही जल्द कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी कर सकते हैं और संपूर्ण पूजा कर सकते हैं, इसका वीडियो चैनल पे है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो आपने पूजा कर लिया, अब इसके बाद का जो कार्य है, अब आप रसोई घर में आइए। रसोई घर में आने के बाद सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा जी को प्रणाम कीजिए, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप अपने घर का भोजन और जो भी आपने नाश्ता वगैरह, जो भी आपके घर में जो नियम है, जो बनता है, तो इस तरह से आप बनाना शुरू कीजिए। दोस्तों, आप अपने जीवन में जो भी माताएं बहने हैं, यदि इन कार्यों को आप नियम पूर्वक प्रतिदिन करते हैं अर्थात अपने जीवन में इन कार्यों को अपना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि निश्चित ही आपके घर में बदलाव आएगा और आप पाएंगे कि पहले जो स्थिति थी उससे काफी हमारी स्थिति में सुधार आ रहा है और धीरे धीरे हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ रही है। तो जो ये नियम है सुबह के कि आपको मुख्य द्वार खोलना है, घर की सफाई करनी है और स्वास्तिक बनाना है मुख्य द्वार पर, और घर में अपने सबसे पहले पूजा करनी है, उसके बाद अपने रसोई घर में प्रवेश करना है। यदि आप इतना कार्य कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपके जीवन में धीरे धीरे स्वतः ही बदलने लगेंगी, अर्थात एक सकारात्मक आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो आप लोग ऐसा करके देखें, अपने घर का मुख्य द्वार खोलें और मुख्य द्वार की साफ सफाई करके देखें। और मैं इसके साथ ये भी बता दूं कि आप संध्या के समय भी अपने मुख्य द्वार को सूर्यास्त होने के बाद तक कभी भी मुख्य द्वार को बंद न रखें। जिस प्रकार सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार खुल जाना चाहिए, उसी प्रकार सूर्यास्त के पहले ही मुख्य द्वार खुल जाना चाहिए, अर्थात सूर्यास्त हो गया उसके बाद आपका मुख्य द्वार बंद है, ऐसा आप कभी भूल कर ना करें। और संध्या के समय अर्थात सूर्यास्त के बाद आप तुरंत अपने घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। तो ये कार्य आपको करना है और प्रतिदिन करना है, नियम से करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन, 6 दिन या 1 महीने कर लिया, कोई बदलाव नहीं है तो फिर आपने करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। प्रयास करना पड़ता है और अथक प्रयास करने से ही हमें कुछ हासिल होता है। तो दोस्तों, ये नियम करके देखिए और आप फिर बताइए कि आपके जीवन में बदलाव आया या नहीं। निश्चित रूप से आएगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।